ब्रांच है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और ये दूसरी वाली ब्रांच है कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद दोनों लोब के नीचे ऐसा एक डक्ट है वो है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। उसको लगकर नीचे ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नाम का लोब है वो है पैंक्रियाज। ये पूरा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के अंदर एक छोटा सा डक्ट है वो है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। और ये जो डॉटेड लाइन वाला और जो रेड लाइन वाला बलून जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है गाल ब्लैडर, है ना। गाल ब्लैडर की ये जो लंबी डक्ट है वो डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट और इसको कहते डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीवर, है ना। सो लीवर का नाम है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड है 12-13 ग्लैंड है टोटल, उनमें से सबसे बड़ी अगर ग्लैंड कोई है तो वो है लीवर और उस लीवर का ये स्ट्रक्चर है। डायग्राम एंड लेबलिंग शुड बी डन प्रॉपरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल कंसेप्ट वेरी क्लियरली। जब तक आप डायग्राम सही ड्रॉ नहीं करोगे, सही लेबलिंग नहीं करोगे, तब तक आपको उसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डायग्राम एकदम परफेक्ट ड्रॉ करनी है, लेबलिंग परफेक्ट करनी है। जहाँ पर मैंने रेश लाइन खींचा है वहीं पर आपको लाइन खींचना है और वहीं वो लेबल देना है। ड्रॉ कर रहे बेटा लाइन, हो गए बेटा डायग्राम। हेलो हेलो हो गई। चलिए एक बार मैं डायग्राम को रीड कर रहा हूँ, आप लोगों को चेक करना है कि आपने लेबल सही किया या नहीं किया। ये ऊपर वाला जो कर्व वाला स्ट्रक्चर है ये है डायफ्रैगम, ये वाला जो है ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये वाला है राइट लोब। राइट लोब के अंदर से एक लंबी डक्ट आ रही है सिस्टिक डक्ट, नीचे आकर वो ये पैंक्रियाज में मिल रही है। पैंक्रियाज के अंदर का ये जो एंड पोर्शन है वो है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ये डॉटेड वाला बलून जो है वो है गाल ब्लैडर। पैंक्रियाज के ऊपर वाला डक्ट है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये लेफ्ट लोब में पहला ब्रांच है उसको कहते लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और दूसरा ब्रांच है उसको कहते कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क को लिखें, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डक्ट ऑफ के आगे डैश नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सब लिंग्वायल ग्लैंड एंड नंबर 3 मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड के डक्ट के नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन लिखना है।
दो हो गए। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद गिव द फंक्शंस ऑफ चीप सेल्स कॉमा ऑक्सेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। गिव द फंक्शंस ऑफ चीप सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल। उसके बाद का क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स इन विच सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट, सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट। उसके बाद mump is a disease of which salivary gland, mump is a disease of which salivary gland, किस salivary gland का वो disease माना जाता है mumps। उसके बाद What is the normal pH of mucus? म्यूकस का नॉर्मल pH कितना होता। उसके बाद What is the normal volume of सलाइवा और म्यूकस का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता। सलाइवा होता 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे और म्यूकस होता 2 to 3 लीटर पर डे। और उसके बाद का क्वेश्चन, draw an internal structure of liver, draw an internal structure of liver and label it. Okay. ठीक है बेटा, ठीक। समझ गया बेटा सबको। हेलो, अरे आंसर दीजिए बच्चों लोग। ठीक है ओके।